स्वागत है मेरे YouTube चैनल कलसी आर्टिस्ट में। मैं हूं कल्सी नवदीप सिंह। तो गाइज, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा बीट कैसे ड्रॉ करते हैं। काफ़ी लोगों को कमेंट आ रहे थे कि बीट कैसे ड्रॉ करते हैं, हमें नहीं आते, तो एक पर्टिकुलर वीडियो बनाए, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। साइड में देख के स्क्रीन शॉट शो हो रहा होगा, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाइए फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने सबसे पहले आउटलाइन में स्ट्रोक बना लिए थे कि किस अकॉर्डिंग बाल किस डायरेक्शन को जा रहे हैं। बाकी मैंने बाद में भी उसे HB की पेंसिल से बनाया, देन मैं अब 2B की पेंसिल से थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ। आपको बहुत ही स्लोली स्लोली करना है ये सब। बालों को सिर्फ एक डायरेक्शन में मत लेकर जाना, कई बार कुछ डायरेक्शन कुछ और जाते हैं, कुछ डायरेक्शन कुछ और जाते हैं, तो इसीलिए आप हेयर्स को जब भी ड्रॉ करो तो उनको एक क्रॉस फेयरिंग में ड्रॉ करो। जैसे एक बाल अगर लेफ्ट साइड को जा रहा है तो राइट साइड को भी कोई बाल लेकर जाए, इसी टाइप से बाल बनते हैं। बाकी आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग देखिए कि स्ट्रोक कैसे बने हुए हैं। मेरी फ़ोटो के अकॉर्डिंग हेयर बहुत ही कम थे, बट मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाया क्योंकि मुझे लगा कि फेस के ऊपर ज़्यादा हेयर अच्छे लगते अगर हम यहाँ इस स्केच में ज़्यादा हेयर बनाते, तो वो भी किसी का बनाया स्केच था जो मैंने कॉपी किया है, इसीलिए मैंने थोड़े से यहाँ पर हेयर ज़्यादा ही बनाए हैं, डार्क किए हैं। मैं देखिए 4B पेंसिल का ड्रॉ कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल का, और साथ ही साथ उसे ब्रश से मैं थोड़ा सा ब्लेंड भी कर रहा हूँ। देन देखिए अब मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आपको बहुत ही इजी वे से बनाने सब कुछ। देन मैं फिर से 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और साथ साथ उसे ब्रश से मैं ब्लेंड भी कर रहा हूँ। देखिए अब आपको हाइलाइट्स ड्रॉ करने हैं, फोटो के अकॉर्डिंग आप देख लें कहाँ कहाँ पर आपके हाईलाइट हैं, तो आप उसे ड्रॉ कर दें। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ किया, आप टोम्बो इरेजर का भी यूज़ कर सकते हो। बाद में उसे ब्रश से ब्लेंड करना है थोड़ा सा, ब्लेंडिंग आपको साथ ही साथ करते रहना है जब भी आप कोई भी लेयर ड्रॉ करें, और साथ ही साथ उसे ब्लेंड कर देना। मैंने जो बालों की हेयर्स की जो लेंथ रखी है वो बहुत ही छोटी रखी है, मीडियम साइज़ के हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, इतने भी नहीं छोटे, यानी कि फ़ोटो के अकॉर्डिंग थोड़े मैंने छोटे ड्रॉ किए हैं। बाद में आपको अब देखिए जो बाकी का पार्ट है वो बनाना है, आपको मूंछ बनानी है, सेम प्रोसेस है जहाँ पर भी करना है, पहले अपनी लाइट पेंसिल देन फिर डार्क पेंसिल का यूज़ करना है। मैंने पहले सीधे 2B पेंसिल के बाद डायरेक्ट मैंने 8B पेंसिल का यूज़ किया है। बाकी आपको सबको प्रैक्टिस ही आगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए स्केच लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये स्केच पूरा कंप्लीट कर दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।